जीप कंपस। जीप इस अमेरिकन एटोमिकर की भारत में सबसे अफोर्डेबल एसयूवी। अफोर्डेबल इसलिए क्योंकि जीप ये ब्रांड बहुत ही पुराना रिप्यूटेड ब्रांड होने के साथ प्रीमियम कार्स को बनाता है, जहां पर जीप रैंगलर, जीप चोरोक इन एसयूवीज की प्राइस जहां पर 60 से 70 लाख से शुरू होती है, वहीं पर जीप की कंपस 18-18 लाख से ही शुरू होती है। जीप इस मैन्युफैक्चरर ने हमेशा बेहतरीन एसयूवीज दुनिया को दी है। जीप ये एटोमिकर दुनिया के सामने सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद आया है, क्योंकि इसी दौरान दुनिया को ऑफ रोड मिलिट्री व्हीकल्स की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी। पहले तो जीप अमेरिकन्स के लिए ही एसयूवी बनाता था, पर बाद में बढ़ते ग्लोबल मार्केट को देखकर इन्होंने अपने एसयूवीज को इंटरनेशनल मार्केट तक पहुंचा दिया। इनकी गाड़ियों में एक अलग ही बात होती है, जिसमें कार के अंदर यूज हुआ मटेरियल, इंजन परफॉर्मेंस और डिज़ाइन गाड़ियों को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाते हैं। जीप कंपस भारत में 2017 को लॉन्च हुई थी, पर अब कहीं पर जाकर रास्तों पर हमें मॉडिफाइड जीप्स देखने को मिलती है। जीप कंपस के स्ट्रॉन्ग रोड प्रेजेंस को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाने के लिए इस टाइप के कुछ बेहतरीन मॉडिफिकेशंस जीप कंपस पर किए जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जीप कंपस इस एसयूवी पर किए गए कुछ बेहतरीन मॉडिफिकेशंस को देखने वाले हैं। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। Turn it, leave it, stop for merit. इस वाली ब्लैक जीप कंपस की बात करें तो गाड़ी पे लगा ब्लैक सेटिन रैप और ग्रिल ऑलॉयज की रेड हाईलाइट मेन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। गाड़ी के अंदर आफ्टर मार्केट ऑलॉयज का इस्तेमाल किया गया है। अगर आप भी आपकी गाड़ी का कलर चेंज करना चाहते हैं तो इससे पहले आपको रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर की परमिशन लेनी पड़ती है। इन स्ट्रॉन्ग लुक्स के साथ गाड़ी अपना रोड प्रेजेंस रास्तों पर और भी बढ़ाती है। जीप की एसयूवीज अपने वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस की वजह से जानी जाती हैं। जीप कंपस उन गिने चुने एसयूवीज में से एक है जिनके अंदर 2 लीटर फिएट मल्टीजेट डीजल इंजन लगा है। इसी के साथ 1.4 लीटर टर्बो पेट्रोल का ऑप्शन भी मिलता है, पर कुछ कंपस ओनर्स इससे बढ़कर चाहते हैं। यहाँ पर मॉडिफाइड हुई जीप कंपस के अंदर परफॉर्मेंस के अपग्रेडेशन हो चुके हैं, जहाँ पर जीप कंपस में लगा नॉर्मल 2 लीटर डीजल इंजन 170 HP की पावर और 250 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है, जबकि मॉडिफाइड जीप कंपस 210 HP की पावर और 425 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करती है, जो 18% ज़्यादा है गाड़ी के ओरिजिनल यूनिट से। गाड़ी के ECU को रिमैप करने की वजह से गाड़ी की पावर फिगर्स बढ़ी है। साथ ही गाड़ी के एक्सटीरियर में कुछ मॉडिफिकेशंस हैं जो अलग ही अंदाज इस SUV को देते हैं। तमिलनाडु के कोयम्बटूर की एक कंपस है जो बहुत ही मिनिमल चेंजेस के साथ कस्टमाइज्ड है। गाड़ी को इतने सटीकता के साथ मॉडिफाइड किया गया है कि इसके एक्सटीरियर के आफ्टर मार्केट मॉडिफिकेशंस को पहचानना बहुत मुश्किल है, पर गाड़ी ओरिजिनल स्टॉक यूनिट से हटके दिखती है। इस कार पर पहले ड्यूअल टोन कलर था, जिसे एक ही कलर दिया गया है। गाड़ी के सभी ब्लैक पार्ट्स को रेड कलर के साथ बदला गया है। गाड़ी पर ऑल ओवर बॉडी क्लैडिंग है। गाड़ी का रूफ ब्लैक है। इस वाली कंपस में अब LED यूनिट्स का इस्तेमाल किया गया है, जो गाड़ी के रेगुलर मॉडल में नहीं देखने को मिलते। गाड़ी के पीछे SRT बैजिंग नजर आएगी। इंटीरियर में नई ऑडियो सिस्टम है जो पहले से बेहतर है। भारत में मॉडिफिकेशंस के इलीगलनेस के कारण लोग अपनी महंगी महंगी कारों को चाहकर भी कॉम्प्रेसिव तरीके से मॉडिफाई नहीं करवा सकते, जिसके कारण लाइट बॉडी किट सामने निकल कर आते हैं। इस वाली कंपास पर ऐसा ही एक बॉडी किट लगा है, जिसमें बम्पर को कस्टमाइज करके आगे और पीछे स्किड प्लेट टाइप मॉडिफिकेशन देखने को मिलते हैं। अब गाड़ी के साइड में साइड स्टेप्स हैं। इस मॉडिफिकेशन में आपको बहुत कुछ अलग नहीं दिखेगा, पर डेफिनेटली इस कार को नया अंदाजा मिला है। गाड़ी की मॉडिफिकेशन कॉस्ट केवल 20,000 रुपीज है। हमें पता है कि भारतीय सड़कें लोअर्ड कार के लिए नहीं बनी। लोअर्ड कार के सस्पेंशन के चेंजेस के कारण इनका ग्राउंड क्लियरेंस कम कराया जाता है, जिसके कारण गाड़ी अपने ऑप्टिमम परफॉर्मेंस का इस्तेमाल कर सकती है। यहाँ केरला के किसी मॉडिफायर ने इस वाली कंपास को बहुत यूनिक बनाया है। गाड़ी डीप ब्लू कलर में बहुत अच्छी दिखती है। गाड़ी में IBH प्रो किट लोअरिंग स्प्रिंग सस्पेंशन के साथ 18 इंचेस के रेडी एट रिम्स इसको अग्रेसिव अपीलिंग देते हैं। गाड़ी के इस नए डीप ब्लू कलर ने इसको बहुत ही सेटिस्फैक्टरी लुक दिया है।
कंपनी ऐसा कोई भी कलर स्टॉक मॉडल में ऑफर नहीं करती। अगर ऐसा कलर होता तो जिप कंपास का रोड प्रेजेंस और भी बढ़ जाता। तो दोस्तों यही थे वो कुछ जिप कंपास पर किए गए बेहतरीन मॉडिफिकेशंस। आप और कौन से टॉपिक्स पर वीडियो देखना पसंद करेंगे ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिए। साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो दोस्तों आज के वीडियो में तो बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।